अस्सलाम वालेकुम मैं कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज जो है मैं आपको रिव्यू दूंगी न्यूट्रीजेना का। सो बेसिकली मैंने न्यूट्रीजेना क्यों यूज़ किया, बिकॉज मेरे फेस में जो है एक्नी हो गई थी मेरी एक साल पहले की बात है। लेकिन आज जो है मैं आपको उसको रिव्यू दे रही हूँ, क्योंकि मैंने इसको बहुत टाइम यूज़ किया, बट अब जो है मैं इसको नहीं यूज़ करी, क्योंकि आप देख सकते हैं अभी तो मैंने मेकअप किया हुआ है। मेरी फेस जो स्किन जो है बिल्कुल क्लीन है, बट मेरी जब मेरे फेस में एक्नी थी, बट मेरी जो फेस में जो एक्नी थी वो बिल्कुल स्फेयर वाली में नहीं थी, ठीक है, जिस तरह लोगों को स्फेयर होती है, लाइक जिस तरह पिंपल जो है पूरे फेस में निकले हुए। लेकिन मेरी एक्नी जो ऐसी थी कि मेरे 2 या 3 4 पिंपल्स निकले हुए, और जो लाइक वो ना जब वो चले जाते थे तो उसकी स्कार्स जो है वो बन जाते थे, और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा सैड था कि मेरे फेस में जो है वो स्कार्स पड़ रहे हैं। बट उसके बाद जो है मैंने इंटरनेट में ही सर्च किया, लाइक मैं जो हूँ मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करती हूँ, मैं इतनी वीडियोस को देखती हूँ और मैं एक्सपेरिमेंट करने लग जाती हूँ। बट ये जो है कुछ एक्सपेरिमेंट जो है मेरे बहुत अच्छे गए, और जो है मैं वो आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। सो ये जो है मैंने सर्च किया था और बहुत सारे लोगों का रिव्यू देखा, और इसके बाद जो मैं आपको दिखाती हूँ न्यूट्रीजेना। ये जो है न्यूट्रीजेना आप देख सकते हो मैं कितना यूज़ कर चुकी हूँ, और अब जो है मैं बिल्कुल भी नहीं यूज़ कर सकती, क्योंकि जो है मेरी स्किन जो है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बिल्कुल ठीक हो चुकी है। और अभी मेरे पास अगर इसकी पिक्चर्स हुई तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, बट मैं आपको ये बता रही हूँ कि मेरी जो एक्ने थी बिल्कुल स्फेयर वाली नहीं थी, बिल्कुल लाइक तो मतलब पिंपल जो थे मेरे 3 4 थे और स्कार्स वगैरह हो जाते थे, जिसकी वजह से मैंने जो है फेस वॉश यूज़ करना स्टार्ट किया। और ये जो है न्यूट्रीजेना जो है आपको किसी अच्छे केमिस्ट से मिलेगा, लाइक अगर आप जो है रावलपिंडी में इस्लामाबाद में रहते हो तो आपको शहीन केमिस्ट आपने सुना होगा, तो वहाँ से आपको इजीली मिल जाएगा। मैंने भी वहाँ से लिया था, और ये बहुत कम जगह से मिलता है। इसकी प्राइस जो है ना लाइक 1400 या 1500 हो गई इस अराउंड मैंने लिया। अगर आपकी स्किन ड्राई है आप बिल्कुल यूज़ ना करो, और ये बिल्कुल ड्राई स्किन के लिए नहीं है और उनके फेस में एक्नी है, सो सिर्फ ऑयली वाली यूज़ करें। और जिनकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और लाइक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और एक्ने भी बहुत स्फेयर हुई है, वो लोग भी नहीं यूज़ करें, और स्किन ऑयली भी है फिर भी नहीं। और अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हो और आप उसका बहुत अच्छा रिव्यू देख भी रही हो, और अगर वो चीज़ आप लेते हो और आपके फेस में वो जो है लाइक इरीटेशन हो जाए, तो आप फिर भी ना यूज़ करें, क्योंकि हर की स्किन जो है वो डिफरेंट होती है। बट मेरी ऑयली थी तो मेरी और एक्ने भी जो है इतनी स्फेयर नहीं थी, तो इसलिए मेरी स्किन ने सूट किया, और अब जो है मेरे में स्कार्स वगैरह भी चले गए, तो इसलिए अब मैं यूज़ भी नहीं करती। तो ये बहुत अच्छा है जिनकी स्किन एक्नी उनके थोड़ी लाइट है और ऑयली स्किन है, तो वो लोग यूज़ करें। और अगर आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो मुझे बताइएगा कमेंट में, और मुझे बताइएगा मैं किस टाइप की वीडियोज़ बनाऊँ। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।